बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपके सामने। 1952 में जनसंघ की स्थापना के बाद से लगातार ये नारा चलता था, एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ये नारा लगता था। यहाँ पर पूर्व मंत्री श्री अजय राणा जी हैं, ये सब जानते होंगे। पहले भारतीय जनसंघ के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नारे को लगाते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की राष्ट्र की एकता के लिए अपने आप को शहीद कर दिए थे। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 दी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त, कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही आतंकवाद के अंतिम ताबूत में भी कील ठोकने का कार्य कर दिया गया कि अब आगे से भारत के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी, और अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धा जवान तैयार हैं। दुश्मन की धरती में घुस करके वहीं जाके मारेंगे। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान में भी वृद्धि करना, भारत की सीमाओं को सुदृढ़ करना, भारत के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, भारत की आस्था का सम्मान करना, भारत के विरासत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन राष्ट्र नायकों का स्मरण करना, उनके स्मारक बनाना, भारत के अंदर एक विकसित भारत के लिए कार्य करना, और अगर कहीं भी गुलामी का कोई अंश रह गया है तो उसको सदैव के लिए समाप्त करना, ये भारतीय आज का एक नया संकल्प भारत का है। और इस नए संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस देवभूमि में कांग्रेस कैसे है, आप थोड़ा अनुमान कर लीजिए ना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के बाद कितनी सीटें मालूम है? 2। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।